गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घर पे सेफ हैं और घर से बाहर नहीं निकलना है। जब तक ये बीमारी हमारे देश में फैली हुई है तब तक हमें घर बैठे ही पढ़ना है। इसीलिए सरकार ने घर से पढ़ाओ अभियान शुरू किया है और उसी के तहत हम टीम मंथन की तरफ से आपको घर बैठे ही क्लासेस का जो आपका डाटा है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज हम ग्रामर का जो पोर्शन है हमारा टेंस वो करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पहले टेंस आते होंगे, अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे उसको रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो टेंस, टेंस का मतलब होता है काल या समय, जिससे हमें यह पता लगे कि कोई भी काम किस समय में हो रहा है, वह वर्तमान में हो रहा है या वह भूतकाल में हुआ था या आगे भविष्य काल में होगा। तो टेंस से हमें काल का यानी कि समय का, टाइम का पता चलता है। तो टेंस तो है हमारा तीन प्रकार का है। ठीक है, जैसे हिंदी में है ना वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तो वैसे ही हमारे इंग्लिश में जो टेंस है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान, पास्ट जो बीत चुका है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस जो हमारे भविष्य का यानी कि आगे आने वाले समय को हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो जैसे हमारे ये तीन टेंस है, आगे इनके चार सब टाइप्स है और वो इन तीनों की ही सेम रहेगी। तो हम प्रेजेंट कर लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है इनडेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट। उसके बाद आता है जो हमारा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा परफेक्ट, और जो लास्ट है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये सब ऐसे ही चलेंगे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जो हमारा पास्ट का है, पास्ट के भी सेम चलेंगे यही, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा जो फ्यूचर बच गया, फ्यूचर में भी वही चलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आज हम जो टेंस करेंगे सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। शुरू करते हैं हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम जब उसके वाक्य करेंगे तो इसकी सबसे पहले हमें पहचान वो पता करनी पड़ेगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो वाक्य है वो उनकी पहचान क्या है। तो हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में, ठीक है, क्या है, ता है, ते हैं, ता हूं, ती हूं आदि, ये सब आए तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे मैं खाना खाता हूं, क्या है, मैं खाना खाता हूं। तो हमने देखा यहां पर वाक्य के अंत में क्या है, ता हूं, और हमने इसकी पहचान बताई थी कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि आए वह प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। तो इसमें हमारा है मैं खाना खाता हूं। ठीक है, तो जो ये पहचान है ये बताएगी हमें कि यह हमारा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं, आप भी अपने बना के देखो, जैसे वह स्कूल जाती है, मैं स्कूल जाता हूं, वे स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। तो इनको जो बनाने का रूल है, क्या है रूल, नियम जो है
कि हम हिंदी से इंग्लिश के वाक्य कैसे बनाएं, तो हम टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो सबसे पहले हमें लेना होता है सब्जेक्ट। क्या लेंगे? सब्जेक्ट, कर्ता, के काम को कौन कर रहा है। उसके बाद हम लेंगे यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें लगाना है या तो एस या ई एस। अब इन दोनों में से इसमें जो नियम है वो हम आपको बताएंगे आगे, कि या तो इसमें वर्ब की पहली फॉर्म लगती है या पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग कैसे होता है, ठीक है। और लास्ट में हम लिखेंगे जो वो है हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंपल वाक्यों में क्या लगा देंगे हम, फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्यों के बनाने का नियम, ठीक है। अगर हम यहां देखें जो हमने अभी बताया था कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग वो हम कर लेते हैं, तो यहां पे हमारे जो पहले पर्सन कर लेते हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई, माई, मी, ये सिंगुलर में आते हैं, और वी, आवर, अस, ये हमारे प्लूरल में आते हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू और यूअर, ये सिंगुलर में आते हैं, और जो एक बच गया यू, यानी कि जैसे तुम सब, ठीक है, वो हमारा प्लूरल में आ गया यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, किसी का नाम हो या कोई सिंगुलर नाउन हो, ये हमारे सिंगुलर में आते हैं, और जो दे, देम और देयर, ये हमारे प्लूरल में आते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन किया था कि एस या ई एस वो कहां पे लगता है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, तो वह थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद और वो भी सिर्फ सिंगुलर नाउन, याद रखना ये थर्ड पर्सन में दे, देम, देयर भी है, लेकिन वो प्लूरल है। हमें सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ ही वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। जो बाकी बच गया हमारा, फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर और प्लूरल, सेकंड पर्सन है सिंगुलर और प्लूरल, और थर्ड पर्सन का प्लूरल, उनके साथ सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम एक वाक्य देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने एग्जांपल लिया है, राम स्कूल जाता है, तो इसके अंदर हम देखते हैं राम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और जो वर्ब है वो हमारी जाना है, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल, ठीक है। तो नियम में हमने जैसे बताया था, सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। उसके बाद क्या नियम बताया था, हाँ वर्ब, तो वर्ब क्या है, जाता है, और जाना की वर्ब बनती है गो। अब हमें यहां पे ध्यान रखना है जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, नाम है किसी का, वो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में काउंट होता है, तो नाम के साथ हमेशा क्या करना है, हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देते हैं। तो राम गोज कहां जाता है वो, टू स्कूल, और उसके बाद हम लगा देते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। तो एक हम वर्ब की पहली फॉर्म का वाक्य ले लेते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूं, तो यहां सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, वर्ब है हमारी गो। अब आई के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर नाउन है, आई ओनली गो, आई गो टू स्कूल, और बाद में फुल स्टॉप। तो ये हमारे दो उदाहरण हो चुके हैं। तो आप अलग अलग सब्जेक्ट लेकर, अलग अलग नाउन या प्रोनाउन लेकर, तो आप भी विभिन्न प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। हम वीडियो के अंत में आपको एक एक्सरसाइज देंगे,
वो आपको सोल्व करनी है और अपने अपने अध्यापकों को दिखानी है, आप अपने स्कूल के ग्रुप में उसको सेंड कर दीजिएगा। बाकी का जो अगला पोर्शन है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये सिंपल वाक्य थे। आगे हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव की वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।